केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देवरिया पहुंचे। दोनों नेताओं का मंच पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिले के प्रभारी और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम और केंद्रीय मंत्री ने 6,200 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मंच से केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश से गुंडा राज समाप्त कर चुके हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को करीब 1.25 घंटे तक जिले में रहे। हमारे पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिस प्रकार से आज वातावरण निर्माण हुआ है वो निश्चित रूप से देश के लिए एक अभिमान का विषय है। मैं इस यशस्वी कार्य के लिए देश की जनता की ओर से आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने अभी यूनो में भाषण किया था और उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया था, उन्होंने डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स इस शब्द का प्रयोग किया था। हम जिसको राम राज्य कहते हैं वही राम राज्य की संकल्पना उन्होंने यूनो में कही थी। हर नौजवान युवक के हाथों में काम मिलेगा, खेत को पानी मिलेगा, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, पीने के लिए शुद्ध स्वच्छ पानी होगा और जो गरीब जनता है, जनता जनार्दन है, उनको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, स्वास्थ्य की और शिक्षा की सुविधाएं होगी। ऐसे ही भारत का निर्माण करना ये प्रधानमंत्री।